हेलो फ्रेंड्स, मैं माँ भगवती सिलाई केंद्र से सुनीता सिंह। आज मैं आपको जो सलवार की आसन छोटी हो जाती है तो हम उसको आसन को कैसे बढ़ाएं उसका तरीका मैं आपको बताऊंगी। आइए देखिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक सिंपल सलवार है, इसमें बेल्ट नहीं है, ये सादी सलवार है। तो ये देखिए, इसका आसन हमारा कम है। ये देखिए, इसका आसन हमारा 11 इंच है, तो हमें लगभग 13 इंच आसन चाहिए। तो आसन को हम कैसे बढ़ाएंगे इसका तरीका देखिए, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए हम क्या करेंगे, ये जो है यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे, ये चीज़ जो है ना, यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे ऐसे करके। ये देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर हमारे सलवार का घेर कम है, ऊपर से मान लीजिए घेर कम है, ये तो हमारा ज़्यादा है, और अगर घेर कम है तो हम यहाँ पे म्यानी लगा लेंगे, म्यानी टाइप लगा लेते हैं, चौड़ा करके जो तिकोना करके लगाते हैं, तो उससे हमारा घेर बढ़ जाता है। अगर हम इस तरह से आसन बढ़ाते हैं, ये देखिए इसको हम ऐसे कर लेंगे, ये हमने कटिंग कर ली 20 से। अब हम इन दोनों पल्लों को उठा के ऐसे रखेंगे, एक के ऊपर एक। अगर हमारे पास बेल्ट वाली सलवार है तो हम सबसे पहले इसकी बेल्ट खोल लेंगे, बेल्ट खोलने के बाद हम ये वाले कटिंग करेंगे। ये सिंपल सलवार है, इसमें मैंने डायरेक्ट कटिंग कर दी। ये देखिए, अब हम आसन जो बढ़ाएंगे, आसन बढ़ाने के लिए देखिए हमें क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई खोल लेंगे हम यहाँ से ऐसे, जो हमारी सिलाई इसको उधेड़ लेंगे, फिर से हम सिलाई उधेड़ लेंगे इस तरह से करके। अब हम इसको उल्टा करेंगे, ये देखिए दोनों पाइची हम उल्टे कर लेंगे और हम इसको ऐसे रखेंगे, इधर से भी हम उल्टा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये उल्टा कर लेंगे हम और हम इसको इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। ये देखिए, यहाँ रखेंगे हम ये दोनों पीस, इसको यहाँ से बराबर रखेंगे और ये ऐसे रखेंगे हम। देखिए, हम इसको इस तरह से रखेंगे। अब हमें जितना आसन बढ़ाना है, 1-1.5 इंच जितना भी हमें बढ़ाना है, उसी हिसाब से हम ये देखें इसकी कटिंग कैसे करेंगे। पहले हम यहाँ से दोनों साइड से, ये देखिए ये हम बराबर कर लेंगे इधर से। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें आसन बढ़ाना है, तो देखिए हमारा पहले आसन ये है, ये हमारा आसन है। अब हम इसको, हमें 13 इंच के लगभग आसन लेना, तो हम ये इंची टेप यहाँ रखेंगे। ये देखिए, ये हमारा 13.5 इंच आ रहा है, तो आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो हम इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है आपको, अगर आपकी सलवार का घेर कम है तो आपको यहाँ पर म्यानी ज़रूर लगानी पड़ेगी, अगर आपको आसन बढ़ाना है, वरना आपका घेर कम हो जाएगा सलवार का। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब हम इसको खोल लेंगे यहाँ से नेफे को। चारों पीस खोल लेंगे इस तरह से ही, और फिर हम इसमें चिड़िया बनाएंगे दोनों साइड ऐसे ही। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे आसन को। ये देखिए, ये वाला आसन ऐसे जोड़ेंगे हम। ये देखिए, यहाँ से हम बराबर रखेंगे नीचे से। आसन बढ़ाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। और अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको आसानी से देख सकें आप। ये देखिए, इसको हम ऐसे जोड़ेंगे यहाँ तक। जोड़ देंगे हम, क्योंकि हमें ऊपर चिड़िया बनानी है। अब हम यहीं तक रखेंगे इसको ऐसे फोल्ड करके, उसे सिलाई लगा देंगे। अब हम सिलाई दबाएंगे सबसे पहले इसकी। ये देखिए,
देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जोड़ने के बाद आसन हमने चिड़िया बना ली है। अब हमारा ये जो है इसकी हम सिलाई दबाएंगे। इस कपड़े को हम ऐसे करेंगे अंदर की साइड फोल्ड, इस तरह से करेंगे। देखिए ये सिलाई हम अंदर दबाएंगे ऐसे। सिलाई दबाने के बाद हम फिर इसके बाद नेफा मोड़ेंगे। साइड की सिलाई दबा दी है यहाँ से भी और इधर से भी। अब हमें ये जो है ऊपर से नेफा मोड़ना है। चिड़िया बना ली है हमने, ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये हो चुका है। अब हमें नीचे की साइड सिलाई लगानी है, ये देखिए। बस अब हमारा ये बचा है जो हमें सिलाई लगानी है। हमने इतना खोला था ये, इसको यहीं से हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से करके हमारा आसन काफ़ी बढ़ गया है और हमारी सलवार की घेर भी कम नहीं हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपको आप मेरी वीडियो में कुछ कमी दिखाई देती है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें देखिए, इस सलवार में हमने आसन बढ़ाया है। देखिए, पहले हमारा आसन 11 इंच था, हमारा यहाँ था, ये देखिए। अब हमारा ये आसन 13 इंच पे हो गया है। हमने आसानी से आसन बढ़ा लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।